हरियाणा के बाद अब बात बिहार की। तो बिहार में जातीय जनगणना पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बिहार में जातिगत जनगणना जारी रहेगी। जनगणना पर रोक की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी है पटना हाईकोर्ट ने। पटना हाईकोर्ट ने तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे कि मई महीने में जो जातिगत जनगणना पर रोक लगी थी वो फिर से बहाल हो जाएगी। बिहार में जातिगत जनगणना जारी रहेगी। जातीय जनगणना के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं पटना हाईकोर्ट ने। जातीय जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। इस वक्त हमारे साथ दीनू जी हैं। सर ये बताइए क्या फैसला आया है पटना हाईकोर्ट? हाईकोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस खंडपीठ में एक लाइन में आदेश पारित किए कि रिट याचिका खारिज की जाती है। अभी हम लोग जजमेंट की कॉपी नहीं देखे हैं, इसलिए नहीं बता सकते हैं कि किस कारण से रिट याचिका खारिज की गई है। याचिका जो करता थे वो कितने थे और सबकी याचिका खारिज कर दी? कितने लोग थे? छह लोग थे। इसके पीछे दलील क्या दी गई? इस सब जब जजमेंट देखेंगे तभी बताएंगे, जजमेंट तो देखे नहीं हम लोग। तो अब आगे क्या आप लोग आगे इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? यानी अब बिहार में जातीय जनगणना जो चल रही थी वो कंटिन्यू चलेगी? तो जब कोई स्टे नहीं है तो इसका मतलब जातीय जनगणना चल रही तो चलेगी। यानी बिहार में जातीय जनगणना जो चल रही थी वो अब कंटिन्यू चलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार सरकार को एक बड़ी राहत पटना हाईकोर्ट ने दी है। जिस तरीके से 3 मई को पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से जातीय जनगणना पर रोक लगा दी थी, आज दोनों तरफ के जो दलील है उसको सुनने के बाद आज पटना हाईकोर्ट ने याचिका जो डाली गई थी उसको खारिज कर दिया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24। तो बड़ी खबर है ये, जाहिर सी बात है बिहार सरकार के लिए बड़ी राहत की खबर है। तो इस वक्त जनता दल यूनाइटेड की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आइए आपको सुनाते हैं। जाति सर्वे को अपरोक्ष रूप से रोकने की खतरनाक साजिश कर रहे थे, लेकिन सच तो सच होता है। माननीय उच्च न्यायालय ने वैसे दूषित मनसा वाले की याचिका को निरस्त किया, जाति गणना का मार्ग प्रशस्त किया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जाति गणना के संबंध में लिए गए निर्णय और कार्यक्रम ये भविष्य के लिए तो नज़ीर बिहार के लिए बनेगा ही, देश के दूसरे राज्यों के लिए भी नज़ीर बनेगा। तो देश के दूसरे राज्यों के लिए भी नज़ीर बनेगा, ये कह रहा है जेडीयू नेता नीरज कुमार का। आपने सुना, तो ये पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है बिहार में जातीय जनगणना को। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। बड़ा फैसला यह है कि बिहार में जातिगत जनगणना जारी रहेगी। रुक करेंगे पटना का, हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, निश्चित तौर पर बिहार सरकार के लिए राहत की बात, कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत भी है। जातीय जनगणना जिस पर सालों से सियासत हो रही है बिहार में, जी बिल्कुल, आज बिहार सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। जिस तरीके से जनवरी में बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हुई थी और उसके बाद 3 मई को पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से जातीय जनगणना पर रोक लगा दी थी और मई में ही जातीय जनगणना का पूरा जो काम था वह खत्म होने वाला था और करीब 80% काम जो है वो जातीय जनगणना का हो भी गया था, लेकिन उसके बाद 3 मई को पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। लेकिन आज 25 दिन फैसला को सुरक्षित रखने के बाद आज पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें निश्चित रूप से बिहार सरकार को एक बड़ी राहत दी है। अब बिहार में जातीय जनगणना जारी रहेगी। हमारे साथ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार हैं। सर ये बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए कि आप लोगों को उम्मीद थी कि ऐसा भी हो सकता है? जब इशू सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के अंदर में है तो डिपेंड करता है जजेज का क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या समझते हैं मेरी बात सही है, सरकार की बात सही है। हम लोग तो एक्सपेक्टेड थे, जब इंट्रीम ऑर्डर में हाईकोर्ट ने माना था कि बिहार सरकार कॉम्पिटेंट नहीं है कास्ट में सर्वे करने का, ये कास्ट में सर्वे नहीं बल्कि सेंसस कर रही है, और उस फाइंडिंग के अगेंस्ट तरह का जजमेंट आया है, तो कहीं ना कहीं हम समझेंगे कि जजमेंट का क्या आधार है, वो जजमेंट देखने के बाद बताएंगे। इस फैसले की उम्मीद थी आपको? जब तक फैसला अंतिम नहीं हो जाता है तो जो भी वकील रहता है, जिसका वो वकील के लड़ता है, सोचता है कि हम केस जीतेंगे, तो हम लोग तो उम्मीद में थे केस जीतेंगे।
लेकिन अब क्या करेंगे? कारण आपके अलावा 6-5 और याचिकाकर्ता थे। हमारे क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन है कि जजमेंट के अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, निश्चित रूप से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये मामला जा चुका है ना, तो फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने? सुप्रीम कोर्ट में मेरिट पर कभी डिसाइड नहीं हुआ था। बिहार सरकार गई थी कि एक तरह से हाईकोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर नहीं, फाइनल ऑर्डर पास कर दिए, तो इसको सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, आप जाके जो बातें कहना पटना हाईकोर्ट में कहिए, फाइनल ऑर्डर नहीं है। उसके बाद यहाँ पूर्ण रूप से बहस हुई 5 दिन, उसके बाद जजमेंट आ जाया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जाने से आपको लगता है कुछ फायदा होगा? सुप्रीम कोर्ट कभी मेरिट पर डिसाइड की नहीं है, न हमारे पक्ष में न उनके पक्ष में, तो फाइनल ऑर्डर आ जाया तो इसको तो कभी सुप्रीम कोर्ट देखी नहीं है, इसलिए अब नए तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात रखी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट नए तरीके से बात देखते हुए डिसाइड करेगी। तो आपने सुना इनका कहना है कि अब जो याचिकाकर्ता जो है सभी वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो फैसला आया है उसकी उम्मीद याचिकाकर्ता को नहीं थी और यह बिहार सरकार के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी राहत है और एक तरीके से कहा जाए कि बिहार सरकार की एक बड़ी जीत हुई है। बिल्कुल सौरभ, जरा ये भी बताइएगा, ये तो हमें पता चल गया कि अब याचिकाकर्ता सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, अब हमें ये बताइए जो जातिगत जनगणना होगी उसके आंकड़े जारी करने पर कोई विवाद तो नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से जातीय जनगणना चल रही थी, और मैंने कहा आपको कि जनवरी में ये जातीय जनगणना की शुरुआत हुई थी और मई के महीने में इसे खत्म होना था और बिहार सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपया जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 500 करोड़ रुपया निर्गत की गई थी कि इस जातीय जनगणना में 500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, तो उसके बाद जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी थी। करीब 80% काम जो है जातीय जनगणना का वो हो चुका था, तो उसके बाद ही याचिकाकर्ता ने जब पटना हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका डाली थी और उसके बाद ही 3 मई को पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी थी। तो अब मुझे नहीं लगता है कि इसके जो रिपोर्ट है उसको जारी करने में सरकार को कोई भी परेशानी होगी, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अब बिहार में जातीय जनगणना जो चल रही थी वो कंटिन्यू जारी रहेगी और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले अगर 2024 का लोकसभा चुनाव देखें या फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो जातीय जनगणना की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद निश्चित रूप से महागठबंधन की जो सरकार है उसका सियासी फायदा उन्हें चुनाव में भी जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल सौरभ, तो निश्चित तौर पर ये बिहार सरकार के लिए बड़ी जीत है और जाहिर सी बात है इससे कई और राज्य भी प्रभावित होंगे क्योंकि कई और राज्यों में भी जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है। फिलहाल की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।